आज हम समझेंगे कि दो डिजिट के किसी भी नंबर का स्क्वायर हम आसानी से कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए मैंने दो एग्जांपल्स लिखे हैं, एक एक करके सबको देखते हैं। तो देखो 76 है, 76 का मुझे स्क्वायर फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं पहले वाले डिजिट का स्क्वायर यहाँ पे नोट कर लूँगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है। फिर सेकंड वाले डिजिट का स्क्वायर यहाँ नोट कर लूँगा जो कि 49 होता है। अब क्या करूँगा, दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करूँगा। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 होता है, 42 को उसकी पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 होगा। अब करना क्या है हमारे को, पहला वाला डिजिट छोड़ के 84 को नीचे नोट कर लेना है, दोनों को आपस में ऐड कर देना है, वही हमारा आंसर होगा। तो इनको ऐड करेंगे तो ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, 17 का 7 हो गया, कैरी वन आएगा, तो ये क्या आ गया 5776। ये हमारा इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 63 का स्क्वायर हमें करना है। तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर करेंगे जो कि 9 होता है, लेकिन हमें दो डिजिट्स में नोट करना है, तो इसलिए हमने क्या लिख लिया, 09 लिख लिया। ऐसे ही 6 का स्क्वायर 36 होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 18 होगा, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 होगा, 36 को एक डिजिट छोड़ के नोट कर लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया और ये 3 हो गया। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों के लिए दोनों सवाल है, इन दोनों को आप कमेंट करके बताइए कि भाई इनका रिजल्ट क्या होगा। इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।